सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 इसके हम दो पहले कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एज इज सेम किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। उसमें मैंने फैक्टर बनाए थे, पेयर बनाए थे, इसमें हमने क्या करना है, पेयर बनानी है। मैंने ये बताया था आपको पेयर कैसे पॉसिबल होता है कि हमें पता चलता है कि पेयर इसके बन सकते हैं। देखें यहाँ पे जो x की पावर 2 है जिसका स्क्वायर है उसको आगे नेट जो वेरिएबल है, ठीक है, इसकी यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी x की पावर 2 है, नेट जो वेरिएबल इसकी जो पावर है वो 1 है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पावर आगे मीन के 2 आगे उसको आगे नेक्स्ट वेरिएबल को जो उसकी पावर होगी उसका हाफ मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब हम फैक्टर पा सकते हैं। वैसे मैंने हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम बोले कि फैक्टराइज करें, ठीक है, फैक्टराइज की बात हो रही है, हमने जब अभी तक जो 5.1 में पढ़ा है 5.2 में पढ़ा है तो वो कह रहे हैं फैक्टराइज करें, ठीक है, फैक्टराइज हमने करना है कि वो ये नहीं कह रहे कि उसको किस मेथड से करना है, वो हमने खुद गैस करना होता है। जैसे मैंने बताया था कि जब हम फैक्टराइज की बात करें सर, फर्स्ट ऑफ ऑल में 3 पॉइंट बताए थे कि पहले देखना कॉमन देखना है, सेकंड ये देखना है कि इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। थर्ड हमें ये देखना है फैक्टर देखने हैं। अब देखिए ना तो इस पर कॉमन नहीं कर रहा है ना इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला तब अप्लाई होगा अगर यहाँ पर स्केयर फार्म ये स्केयर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर स्केयर फार्म बन जाती तो फिर ठीक है। इसका मतलब फिर लास्ट जो हमारा थर्ड पार्ट आगा वो आगे हमारे पास फैक्टर बनाना है, ठीक है, मीकर पेयर बनाने हैं। वो कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, उसको लॉट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमने वो दो और मिड टर्म को क्या कहते हैं, मिड टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, पेयर बनाते हैं उसके, ठीक है, वो आनी चाहिए। मिड टर्म की जगह हम जो मिड टर्म होती है उसमें रिप्लेसमेंट करते हैं, जो हमने फैक्टर चूज करते हैं उसकी जगह उसको रिप्लेस करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आप 4 को 5 से करें मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आएगा 20, ठीक है। और हमने ऐसे दो फैक्टर चूज करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आए, एक को प्लस माइनस करने से 12 आए, ठीक है, मिडिल टर्म आए, ठीक है। अब वो तो फैक्टर से पहले टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल देखते हैं, सबसे जो छोटा टेबल है 2 का टेबल देखें, 2 10 टाइम क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई कर 10 से 2 10 12 आगे 20 आ गया, ठीक है। आप दोनों को ऐड भी करें तो देखें 12 प्लस 12 और है ना, अब हमारे पास फैक्टर दोनों आ गए 2 और 10 फैक्टर आ गए, ठीक है। इस तरह आपने अगर फर्स्ट करें यहाँ पे नहीं बनता तो आपने नेक्स्ट टेबल पढ़ते जाना है जिस पे हमारे पास फैक्टर सूटेबल हो गए तो हमने वो लगा लेने हैं। अब हमें दो जो फैक्टर आ गए वो आएंगे 2 और 10 आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टर आ गए हमारे पास 2 और 10 आएंगे, और जो मिडिल टर्म होगी इसमें आपने क्या करना है, इसमें लगा देना, जहाँ मिडिल टर्म मीन 12 एक्स है, इसको लगाया स्क्वायर, जो फर्स्ट और एंड वाला जो टर्म है उसको आपने एज इट लिखना है, ठीक है। बस मिडिल टर्म की जगह आपने जो फैक्टर चूज किए हैं वो हमने चूज किया 10 और 2 किया था, जो बड़ी वैल्यू होगी हम उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, 10x, ठीक है, उसके बाद हमने किया था प्लस 2x किया था, ठीक है, और प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब फर्स्ट 4 वैल्यू बन गई, फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे, लास्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे, ये आएगा हमारा 4x यहां पे कर रहा है, 2x कॉमन आएगा यहां पे, ठीक है, बाकी बात जाएगा 2 2 4x प्लस 2 5 10 आएगा, ठीक है, ये आएगा, और यहाँ प्लस कोई काम नहीं, मीन से 1 कॉमन नहीं कर रहा है, ठीक है, 1 कॉमन निकालेंगे 2x प्लस 5, ठीक है। आप इसे लिखने का क्या मेथड है, मैंने ये भी पहले क्वेश्चन 2 में भी ये बताया था कि जब ये हमारा जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है कॉमन लेने फैक्टर बना लिखने के बाद जो ब्रैकेट में वैल्यू अगर वो सेम आ जाएगी तो इसका मतलब है जो हमने दो फैक्टर चूज किए हैं वो क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है, मीन्स क्या हम समझ आ गए कि हमारे फैक्टर हैं वो करेक्ट हैं, भी कोई रॉन्ग नहीं है। अगर जो हमारे प्लस माइनस साइन की मिस्टेक हो जाती ना, इसमें माइनस आते हैं प्लस आता है, फिर हमारे फैक्टर करेक्ट नहीं थे, ठीक है, फिर हम इसको चेक करेंगे गेम की हाँ मिस्टेक है। आप क्या करेंगे, इसको लिखने का क्या मेथड है, इन दोनों ये दो वैल्यू ये बन गई ये बन, इन दोनों कॉमन सेम चीज क्या आ रही है, 2x प्लस 5 ये कॉमन आएगा, 2x प्लस 5 कॉमन आएगा, इन टू बाकी बच गया 2x प्लस 1, ये इसका हमारा आंसर है, इसको ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि 30x² + 7x - 15x, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 30 को 15 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दो जो इसका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, उसको इसको एक कैलकुलेशन किया जा सकता है, जो उसको मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम पहले 2 पे डिवाइड करें, ठीक है, फिर 3 जैसे लेट्स सपोज करें मेरे पास 2 ये 2 है, ठीक है, 2x² है प्लस, ठीक है,
को इसको क्या लिखेंगे, हमारे पास ऐसे आएगा कि 2 4 आता है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है, 4 आता है पहले और एंड वाले को 4 आता है, ठीक है। 4 को डिवाइड किस पर करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर में इसका जो आंसर आता है वो 2 आएगा सर, ठीक है। अब आपने जो हमारे पास 2 वाला जिस पर डिवाइड किया है उसको चेक करें, और जो आंसर हमारे पास आया ठीक है उसको चेक करें, ठीक है। ये हमें दो फैक्टर बनने चाहिए, इस तरह दो हमारे फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। वो आपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपने अगर चेक करेंगे क्या हो, ये दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसको अगर देखें प्रोडक्ट लें वो भी आंसर आए, ठीक है, और डिनोमिनेटर टर्म में वो भी वो ही है, प्लस या माइनस करने से फिर हमारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे फिर हमारे। इस तरह आपने टेबल पढ़ते जाना है और देते जाना टेबल्स को, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा, तो आपने टेबल पढ़ा है ठीक है, उसमें हमारे पास आता है 30x² 50, ठीक है, इसमें आता है 25x आएगा हमारे पास, 25x और 18, ये दो फैक्टर हैं, ठीक है, ये दो हमारे पास फैक्टर आएंगे प्लस 18, ठीक है। अब हमारे पास ये दो फैक्टर प्लस में चेक करा दो कैसे आना है, ये दो मैंने फैक्टर चूज किया 25 और 18, दो फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इसका प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। और उसको प्लस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, मीन प्लस माइनस करेंगे तो 7 आता है, 25 में से 18 माइनस कर दें तो वो 7 आता है, ठीक है। तो ये हमारे दो फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो आएगा हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था, इसमें ये क्वेश्चन था 30x² + 7x - 15x। अब इसमें मैंने ये बताया आपको कि जो x स्क्वायर होगा इसके कोएफिशिएंट को n बार से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, n बार से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, ठीक है, तो वो हमने वो देखना है, उसको आपने फर्दर डिवाइड कर जाना है टेबल के ऊपर, ठीक है। जिस टेबल के ऊपर डिवाइड करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर जिस पर डिवाइड किया है वो तो हमारे पेयर होंगे, ठीक है। पेयर देखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें वो आ तो रहा है, लेकिन अगर दरमियान में देखें मिडिल टर्म है जो क्या उसको हम प्लस या माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म भी आ रही है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों अगर होंगे मल्टीप्लाई भी और प्लस माइनस भी जो मिडिल टर्म आएगी तब बोलेंगे फैक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, फैक्टर वो होंगे। अब देखते हैं हमने वो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये दो फैक्टर देखते हैं 25 और 18 है, ठीक है, ये आएगा। अब चेक ये करना है इसके जो फैक्टर आएंगे वो 25 और 18 है। आप ये चेक करना है कि एक समय प्लस लगाया है एक समय माइनस लगाया है, कैसे लगाया है, अगर देखें यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसमें साथ प्लस है, प्लस इस तरह लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, तो आप देखें जैसे देखें प्लस माइनस होता है माइनस है, ठीक है, होएगा माइनस है, लेकिन जो बड़ी वैल्यू है उसमें अगर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है प्लस लगेगा, ठीक है, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दिया, इस तरह माइनस लगा दिया। 25 में से 18 माइनस करें, ठीक है, तो माइनस करने से आंसर 7 आता है, लेकिन चेक करना प्लस का आएगा तो माइनस का आएगा, अगर प्लस हमें लेके आना है, देखिए अगर जैसे मैंने ये किया 25 18 प्लस और माइनस, ये प्लस 7 आएगा, ये अगर मैं प्लस लेके आना तो इससे तरह क्या करूँगा, बड़ी वैल्यू से प्लस लगा दूंगा, ठीक है। अगर मैंने माइनस लेके आना तो बड़ी वैल्यू से माइनस दूसरे के साथ प्लस लगा दूंगा, ठीक है, इस तरह हम इसको चेक कर देंगे, ठीक है, ये माइनस किस तरह आएगा। उसके बाद ये दो फैक्टर चूज कर दिए, जो मिडिल टर्म थी उसके मैंने प्लेस कर दिए, मिडिल टर्म के साथ जो हमारे पास होएगा वेरिएबल वो साथ से लिखते जाना है, इसके साथ एक्स था, इस तरह एक्स लिखे, जो दो फैक्टर चूज किए हैं इधर लिख लिया इधर लिख लिया, ठीक है। और आपने फर्स्ट टू में से कॉमन निकालना है, ठीक है, 5x कॉमन आएगा, 5 6 × 30 होता है एक्स प्लस 5 5 25 होता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा माइनस 3 कॉमन निकाला है, ठीक है, 3 6 × 18 और माइनस प्लस माइनस कॉमन निकाला है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, 3 5 15 होएगा। आप ये देखें ये दो मतलब फैक्टर जो वैल्यू आई हैं ये दोनों सेम है, सेम आ गया, इसका मतलब हमारे जो फैक्टर हैं हमने जो चूज किए हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है, ये दो वैल्यू आ गई, इससे दोनों सेम क्या चीज है, 6x + 5 इसमें भी है, 6x + 5 इसमें भी है, वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बाकी बच गया 5x - 3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, उसमें देखते हैं उसमें दिया 24x² - 65x + 21 ये दिया गया। अब आपने क्या करना है, 24 को मीन कि x के कोएफिशिएंट को एंड बार से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा, ठीक है, फिर आपने वो दो फैक्टर चूज करने हैं, ठीक है, वो हमारे पास मल्टीप्लाई करना वो आंसर आए, और मिडिल टर्म देखें प्लस या माइनस करें तो वो 65 भी आए। अब हम दो देखते हैं टेबल पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं हमारे पास आता है 56 और जैसे अब आता मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 56 और 7 ये दो फैक्टर देख लेते हैं, ठीक है, तो 9 9। आपने जो इसका आंसर आएगा 24 को 21 पे मल्टीप्लाई करने से उसको 9 पे डिवाइड करें,
9 पे डिवाइड करने से जो हमारे पास फैक्टर आएगा ठीक है वो 856 आएगा, आंसर इसका आएगा। इसमें लेस वो जो भी आंसर है इसमें 9 पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ठीक है इसका आंसर 56 आ गया। अब ये दो फैक्टर आंसर आएंगे 96 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो वो जो मल्टीप्लाई आएगा वही आएगा आंसर ठीक है, और प्लस माइनस करें तो 65। अगर मैं इसमें देखें हमें 65 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस 65 भी आता है ठीक है, प्लस लगाएंगे तो वो 65 ही आएगा। तो आपने ऐसे लिखना है इसको कि दोनों के साथ माइनस लगाएंगे 65 बन जाए और मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है। तो आप रिप्लेस करना यहाँ पर 24x² माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21 ठीक है। अब आपने इन दोनों कॉमन में क्या फर्क कॉमन आ रहा है 24 और 56 में किस टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं, अगर देखते हैं हम 8 टेबल में देखें ठीक है 8x कॉमन ले जाए तो 8 3 टाइम होता है हमारे पास 24 माइनस 8 7 टाइम 56 होता है ठीक है, ये आएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे माइनस 3 कॉमन निकालें 3x और माइनस हमारे पास आएगा 3 7 21 होता है, तो आएगा 3x माइनस 7 इंटू 8x माइनस 3 ये इसका आंसर। 5x² माइनस 16xy सॉरी माइनस 16x और माइनस 21 ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, अब आपने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है 5 4 21 से तो जो आंसर आएगा ठीक है वो आपने साथ फैक्टर चूज करने हैं। अब देखते हैं हम इसमें आएगा जिसका ना नहीं आता होगा कोई भी डिवाइड करने से क्या करेंगे ये जो होगा गेन इसको मल्टीप्लाई में ये फैक्टर दोनों होंगे ठीक है, सिर्फ दोनों फैक्टर यही हैं 5 और 21 ठीक है ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे 5x² माइनस 21x माइनस इसको प्लस x लिखेंगे 5x माइनस 21 ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये दो फैक्टर चूज किए हैं इनको मल्टीप्लाई करें ठीक है वही आंसर आता है जो हमने मल्टीप्लाई पहले किया था ठीक है, मीन के 5105 आता है ठीक है 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर 105 आता है ठीक है। अब नेक्स्ट इनको प्लस माइनस करें तो 16 माइनस 21 में से 5 काट दें तो 16 आता है हमारा आंसर ठीक है। अब ये फैक्टर में चूज कर लिए तो 5 इसमें से कॉमन निकालेंगे इन दोनों में कॉमन इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे जो कॉमन क्या निकल रहा है बस x कॉमन निकल रहा है ठीक है, तो आएगा हमारे पास 5x माइनस 21 ठीक है, नेक्स्ट प्लस 1 कॉमन निकल रहा है तो आएगा 5x माइनस 21 ठीक है। इसको कॉमन अगेन देखिए तो दोनों में सेम वैल्यू ये है कॉमन आ जाएगा तो ये इसका हमारा आंसर है दिस आंसर माइनस 17xy प्लस 4y². नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन पर 5th है इसमें देखिए कि 4x² माइनस 17xy प्लस 4y² है। अब हम क्या करेंगे 4 को मीन के 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 16 आएगा ठीक है। अब आपने वो दो फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 16 आए प्लस या माइनस करें वो माइनस 17 आए, तो वो हमारे जो फैक्टर आए देखें अगर हम माइनस 17 ठीक है और 1 ही ले रहे ठीक है तो इसको करें सॉरी माइनस 16 लें ठीक है और माइनस 1 लें ठीक है, ये दो फैक्टर हैं दोनों को माइनस करें तो माइनस 17 आता है, प्लस माइनस करें ठीक है मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है माइनस 16 मतलब माइनस 1 तो प्लस 16 ही आता है ठीक है, ये बस फैक्टर करने वो आगे। अब इसमें लिख लेंगे 4x² माइनस 16xy जो साथ वेरिएबल होंगे x y मिडिल टर्म के साथ कॉमन दोनों लिखने हैं ठीक है, माइनस 16xy और माइनस xy ठीक है प्लस 4y². अब हम दोनों पहले दोनों में कॉमन लेंगे 4x कॉमन आ जाएगा ठीक है तो आएगा x माइनस 4y इसमें हमारे पास कॉमन आएगा माइनस आएगा इसमें से कॉमन आएगा माइनस y कॉमन आएगा इसमें लास्ट में से y कॉमन निकाल लेंगे बाकी x माइनस 4y आ जाएगा ठीक है, ये दोनों सेम आ गए इसका मतलब है हमारे जो फैक्टर है वो करेक्ट हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे इसमें अगेन कॉमन दोनों सेम वैल्यू कॉमन आ जाएंगे बाकी बच गया 4x माइनस y ये इसका आंसर। 6th पार्ट में है 3x² माइनस 38xy माइनस 13y² अब हम क्या करेंगे ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 13 को 3 से करें मल्टीप्लाई होता है 39 आता है ठीक है,
और प्लस या माइनस करें वो बस आए -30, -38 आए। हमने दो फैक्टर वो चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करें +39 आए और प्लस माइनस करें तो -38 आए। ठीक है, वो दो फैक्टर देखते हैं। अब अगर हम देखें -39 को, ठीक है, किस साथ +1, ठीक है, -38 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास -39 आ रही। ये दो फैक्टर आएंगे हमारे पास 39 और 1, ये दो वर्सेस के फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे इसमें जी। अब इसमें देखें, हमने दो किए होगा, इसके आएंगे मल्टीप्लाई करें 39 आए, ठीक है, मेरे 3 को 39 से मल्टीप्लाई करें किया था तो 39 आए, ये क्या हुआ प्लस में 38 आए। वो दो फैक्टर में चूज हमने किए वो -39 xy और प्लस इसमें आपने क्या करना है, वो सेम मेथड, सी के सारे फंक्शन सेम ही हैं। आप इसमें देखना है 5 जो एक्स का क्वेश्चन होगा उसको एंड पर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 70 आता है। ठीक है, -5 को मल्टीप्लाई करें 14 से 70 आता है। अब आपने वो दो फैक्टर चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 70 आए और प्लस करें 35 आए। ठीक है, अब ऑन टेबल देखें, 2 का टेबल देखें, 2 का टेबल 35 टू टाइम 35 होता है, 70 होता है, 35 टू टाइम होता है 70 होता है। ये दो फैक्टर चूज किए हैं 2 और 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से दोनों को तो वो 70 आता है। ठीक है, लेकिन जब प्लस करेंगे, ठीक है, मीन्स माइनस करेंगे, एक प्लस माइनस है, एक साइन प्लस का एक माइनस का है, तो क्या करें 35 में से 2 माइनस करते हैं तो 33 आता है। इसमें ये देखें तो 35 प्लस का होना चाहिए और 2 माइनस का होना चाहिए तब ये 33 आता है। ठीक है, इस तरह आपने ये दो फैक्टर चूज किए कौन कौन से, 2 और 35। ठीक है, आप इसको हम लिखते हैं जहाँ मिड टर्म में इसमें रिप्लेस करने, इसको आएगा ऐसे 5x² + 35xy - 2xy - 14y². ठीक है, आप हम क्या करेंगे, फोर वैल्यू फर्स्ट में से कॉमन आएगा, 5x कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा x प्लस 5 7 टाइम 35 होता है 7y, वैसे के वैसा यहाँ पे -2 कॉमन निकालेंगे 7y कॉमन आएगा तो आएगा हमारे पास x प्लस 7y। ठीक है, क्यों 2 7 टाइम 14 होता है। आप देखें ये दोनों वेक्टर की जो वैल्यू सेम आ गई हैं। ठीक है, सेम जब आएगी इसका मतलब जो हमने फैक्टर चूज किए हैं करेक्ट आ गए हैं। ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस मेथड क्या है, इनमें दोनों कॉमन क्या आ रहा है, ये x प्लस 7y इसमें भी है, x प्लस 7y इसमें भी है, इसमें कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्या बच गया, 5x - 2y इसका आंसर है। ठीक है, आप इसका देखें लास्ट जो इसका क्वेश्चन है, लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्वेश्चन है 5x - 1/x² + 4 × x - 5x - 1/x + 4। ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका इसमें कह रहे हैं कि आपने इसको भी फैक्टर करने बनाने हैं, फैक्टर बनाने के लिए देखते हैं हम इसमें। अगर देखें इसका स्क्वायर है, ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले कॉमन देख लेते हैं। ठीक है, कॉमन देखते हैं, कॉमन ठीक हो गया, उसके बाद देखते हैं फार्मूला, देखिए हम इसकी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसका स्क्वायर तो है जो एनुअल वैल्यू है। ठीक है, इसका स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा लिख लें 5x - 1/x, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले इसका ऐसे लिखने अगर मैं बना इसका ऐसे लिखने तो इंटे 2 4 है ना, 4 में लिखो 2 × 2 मेरे 2 2 टाइम 4 होता है, मैं इसको 2 इधर रहने दूंगा, 2 एक में इधर लिखना होगा। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर बना। अब आप नजर आ रहा है, देखें आप मीन्स की ए का स्क्वायर है प्लस 2 पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू। ठीक है, पहली वैल्यू ये वाली है, ठीक है, दूसरी वैल्यू ये वाली, इसका स्क्वायर बना लेंगे, इसका आएगा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका किसका स्क्वायर कंप्लीट होगा, ये a है, मीन्स के a x - 1 और x
टू का साथ प्लस है, प्लस लगाएंगे जो दूसरी वैल्यू होगी स्केल की उसका टू लिखेंगे, उसका स्केल लिखेंगे, ये इसका स्केल क्लोज हो गया। उनने बात किया फैक्टर की, ठीक है, तो फैक्टर की बात करते हैं, देखो फैक्टर ऐसे इधर जा रहे हैं ना, तो इसको मैं टू टाइम लिख दूंगा, ऐसे लिखेंगे इसे 5x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 इनटू 5x माइनस 1 ओवर x प्लस 2, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे लिख, कैसे देखते हैं, और x मल्टीप्लाई बाय x होता है, क्या होता है x का स्क्वायर, इसका आंसर भी लिखा जा सकता है स्क्वायर की फॉर्म में भी, एस स्क्वायर की फॉर्म में था तो मैंने क्या टू टाइम्स को लिख दिया, ठीक है, ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। आज हमारे पास हमने किया 5.2 का क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया, ओके।